بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق نصيرا. وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ
ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. एजाज सैफ़ी साहब, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार कमर फरीदी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रहमान रमज़ान। बादस खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रहमान रमज़ान में उस हस्ती का ज़िक्र करेंगे जो कुल्ले ईमान है, जिसकी शुजात की बात करें तो वराउल वरा है। वो पांच तन में शुमार होते हैं और यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है कि वचे तख्लीक़ कायनात आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दामाद हैं, चचाज़ाद भाई हैं, जो सैयदा तैयबा ताहरा पाक बीबी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द में आप हैं और हसनैन करीमैन के वालिद हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, हज़रत शेर खुदा, शेर वो शेर जो अल्लाह के शेर हैं, असदुल्ला, वो शेर जिसे करार कहा गया, जो पलट पलट कर वार करने वाला है, उसका आज ज़िक्र करेंगे। आज वो अजीम दिन है जिस दिन शेर खुदा जब काबे में पैदा हुआ और उसी ज़र्ब में जो मस्जिद के अंदर लगी उसी से आप शहीद हुए। आज मौला कायनात हज़रत अली करमुल्ला वजहों की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे। आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं, उनका मैं तारफ़ कराऊंगा और उसकी तरह मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ संदल नवाज। आज 21 रमज़ान की योमे का दिन है। ना पूछ आज हमसे ये सदमा अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो उम्मत यतीम है। वाह क्या शान पाई आपने, काबा में वलादत है, मस्जिद में शहादत है, देखना अली के चेहरे को ऐन इबादत है। जिस मुसलमान के दिल में हुब्बे अली ना हो, वो दिल नहीं कोई बोसीदा अमारत है। अजब इश्क है अली को खुदा से, अजब इश्क है अली को खुदा से, हर का अली का खुदा से। आँख खुली तो खुदा के घर में, जा रहे हैं तो भी खुदा के घर से। आज आज एक ऐसा दिन है कि अपने आप से कुछ कहने को दिल नहीं कर, ऐसे लगता है कि जैसे आज तो जिस्म में से जान ही निकल गई। आज तो हमें वो वाक्यात सुनने हैं कि उस दिन क्या हुआ, हमें जो नहीं पता आज हमें उसकी समझ। हमारे आज जो हमारे पैनल में जो आप ही साहब आए हैं, जो सैयद हैं, जो हमें हकीकत बता सकते हैं, जो हम ना समझ कहीं गलती में कुछ गलत ना कह दें, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ज़ुल्फ़िकार भाई हम जो हम टॉपिक नहीं हम कह सकते, आज का दिन वाकई ही एक अजीम दिन है कि आज के दिन में शहादत की हम बात कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि बिल्कुल आज मौलाए कायनात की शान और मर्तबे के हवाले से बात करेंगे, उनके फजाइल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आस्थाना आलिया भट्टी के शरीफ से बहुत ही खूबसूरत और खूब इल्हान गुफ्तगू करने वाले मजहबी स्कॉलर हैं,
जानशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा बख्श गंजे और रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ज़्यादा पीर काशफ अली ओवैसी जिसका बहुत शुक्रिया कि सब आज हमारी आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और आज का दिन बहुत अहम दिन है मौला कायनात की बारगाह में, तो उसी का हम जिक्र करेंगे। और रोज़ की तरह हमारे साथ हैं शहबाज़ कमर अवैसी साहब जो कि हदिया अकीदत पेश करें, और उनके साथ झंग की सरजमीन से हाफ़िज़ ग़ुलाम रज़ा सियालवी साहब और इरफान साकब सियालवी साहब होंगे, और अली रज़ा कादरी साहब जो कि लाहौर से आज हमारे। और तो मैं गुजारिश करूँगा हाफ़िज़ ग़ुलाम रज़ा सियालवी साहब से कि आप हजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएं। अगर वो जुल्फ मेरे होंठों पे रहे हर
थे हाफ़िज़ ग़ुलाम रज़ा सालवी साहब, जो कि जंग से तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में हदीया अकीदत पेश किया। हमारे साथ बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान शहबाज़ कमर वैसी साहब हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हजूर की बारगाह में हदीया अकीदत पेश फरमाएं। आज के दिन की मुनासबत से मौला कायनात का जिक्र करते हैं, तो मेरे साथ आज कोई जुबान खामोश ना रहे, आज अली अली मिल के कर लें तो मज़ा आ जाएगा, असी सारे है दरिया असा है दरी रहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है नूर दे फुल खोलो वहदत दी कली खोलो नूर दे फुल खोलो वहदत दी कली खोलो मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो पाक मुहम्मद तो पाक मुहम्मद तो दसोयो लैणाए दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है लालच ना देवी हैदर दी बांदीनों इन सोना की करना करना चांदीनो लाल ना देवी हैदर दी बांदीनो इन सोना की करना की करना चांदीनो पीर अली साडा पीर अली साडा जेवर ते गहनाए दम दम हर वेले असा अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली अली कहना है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौला कायनात की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। आज क्योंकि हमारा टॉपिक शान अली है, और वो अली जो कुल्ले ईमान है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अली को नहीं मानेंगे, और जो वली बनना चाहता है वो अली की दरगाह के बगैर वली नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ अलीपुर चट्ठा से यासर मदनी साहब हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हजूर की बारगाह में अदी अकीदत पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी है ख़त्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है ख़त्मे रसूल सा कोई नहीं
कसम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है हत में रसूल। जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। हो ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेरा जिका धूला कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब, दिल की आवाज है, दिल की आवाज है, दिल की आवाज है के दिल किसको दिखाए चीर के हम, करे ए रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का सहारा कोई नहीं, कोई नहीं है रहमत आलम तेरे दुखियों का सहारा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया यासर मदनी साहब ने, जो कि डस्का की सरजमीन से हमारे साथ, अलीपुर चट्ठा की सरजमीन से हमारे साथ थे। आज अली की बात कर हो रही है, तो मैं अली की शुजात और अली की शान और मर्तबे के हवाले से आज हमारे साथ साहबजादा अलामा पीर काशफ अली अवैसी साहब हैं, तो मैं उन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि मौला की शान और मर्तबा तो वला वरा उल वरा है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये
उनका जिक्र नहीं है बल्कि इबादत है, क्या कहना चाहेंगे? ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم میں سب سے پہلے رائل نیوز والوں کا اور خصوصا آپ کا الحاج محمد ذوالفقار قمر فریدی صاحب کا اور ہمارے جہانگیر بھائی ڈی ڈی بھائی کا دیگر ساری انتظامیہ کا سارے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے دعوت دی بندہ نچیز گنہگار سے آکار انسان حاضر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها سرکار فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے الذکر علی عبادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نظر الی وجہ علی عبادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے آج کیونکہ 21 رمضان المبارک ہے اور شہادت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے ابھی ہماری سندلاپا کہہ رہی تھی کہ آج تعزیتی پروگرام ہے ہم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے علی مرے نہیں علی زندہ ہیں اور زندوں کا غم نہیں منایا جاتا بلکہ زندوں کی خوشی منائی جاتی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اس رائل نیوز کے توسل سے پوری دنیا میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں علی کل بھی مشکل کشا تھا علی آج بھی مشکل کشا ہے اور علی قیامت تک مشکل کشا رہے گا بلکہ قیامت میں بھی علی مشکل کشائی کرے گا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی انت سید فی الدنیا والآخرہ علی دنیا میں بھی سردار ہے اور علی آخرت میں بھی سردار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے علی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور سرکار کا فرمان ہے جہاں میں قیامت میں میدان محشر میں جہاں میں کھڑا ہوں گا وہاں علی کھڑا ہوگا جہاں علی کھڑا ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں گا پتہ یہ چلا کہ جہاں محمد اور علی آ جائیں وہاں خدا خود آ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ میں یہ بس یہ اتنا کہنا چاہوں گی تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی واہ 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 کمال کر سب کچھ ہے علی جی آپ سوال کرنا چاہ رہی تھیں بالکل میں پیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ عظمت و شان قرآن حدیث سے آپ تھوڑا سا اگر تفصیل سے یہ بیان کریں گے تو ہمیں زیادہ اچھے سے تفصیلاً پتہ چلے گا جی آپ نے سوال کیا بہت ضروری آپ کا شان علی کی اتنی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑی شان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا انی ذکر عبادہ کہ میرا ذکر کرنا عبادت ہے حضرت علی کا مقام دیکھو کہ میرا نبی فرماتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
कि नमाज पढ़ना इबादत है, कयाम करना इबादत है, रुकू करना इबादत है, सजदा करना इबादत है, तशहुद करना इबादत है, वो उस इबादत पे नाज करते हैं, हम अली अली करने पे नाज करते हैं, हम अली अली करने पे नाज करते हैं। नबी अली सलातु सलाम का फरमान अलीशान है कि अली को देखना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत, और हम फख्र करते हैं, बल्कि हम सर फख्र से बुलंद करते हैं कि हमारी कोई भी महफल ऐसी महफल नहीं होती कि जिस महफल में अली का जिक्र नहीं किया जाता। और हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिस महफल में अली का जिक्र हो वो महफल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। वाह वाह, ये मकाम, ये शान हजरत अली अल मुर्तजा की है। और नबी अली सलातु सलाम ने क्या ये शान बयान की, फरमाया अली मेरा भाई है, जबकि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बदने अक्दस से इमामुल अंबिया पैदा हुए, और हुजूर नबी अली सलातु सलाम अकेले पैदा हुए, और हुजूर नबी अली सलातु सलाम के अलावा कोई भाई जनाब अब्दुल्ला का नहीं। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को यह मकाम हासिल है कि हुजूर नबी अली सलातु सलाम के दूसरे भी चाचों की औलाद थी, लेकिन सरकार ने उनको भाई नहीं कहा। अली की मकाम यह है, अली की शान यह है कि मेरा नबी अली को भाई कह रहा है। और नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया कि जिसने अली का दिल दुखाया उसने मोहम्मद का दिल दुखाया, जिसने मोहम्मद का दिल दुखाया उसने खुदा को दुखाया। और नबी अली सलातु सलाम फरमाते हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की है। अली का मकाम इतना है कि कुरान अली की शान में नाजिल हो रहा है, अली का मकाम इतना है कि नमाज में अली का जिक्र है, अली का मकाम इतना है कि कुरान में अली का जिक्र है, अली का मकाम इतना है कि अजान में भी अली का जिक्र है, अली का मकाम इतना है कि सूरह फातिहा में भी अली का जिक्र है। और अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, जिसके बारे में नबी अली सलातु सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल ने दुनिया कायनात का सारा इल्म जो है वो कुरान के अंदर रखा है, और कुरान का सारा इल्म जो है वो रब्बुल जलाल ने सूरह फातिहा के अंदर रखा है, और सूरह फातिहा का सारा इल्म जो है वो रब्बुल जलाल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर रखा है, और बिस्मिल्लाह का सारा इलम जो है वो बिस्मिल्लाह की बा के अंदर रखा है। हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह की बा का सारा इलम जो है वो उस नुक्ते के अंदर रखा है जो बा के नीचे नुक्ता है, इमामुल अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं अनन नुक्ता तो तख्तल बाई, फरमाया कि उस बा के नीचे का नुक्ता मैं अली मुर्तजा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान अली बयान हो रही है। यकीनन जब करीम आका ने कह दिया है कि मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, और आखरत में भी और दुनिया में भी भाई हैं, इससे बढ़कर और क्या बात है हमारे लिए। हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत सना खान हैं, इरफान साकब सियालवी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी हजूर की बारगाह में हदिया की इदत पेश करवाएं। होते जन्म लिया होता तेरे होते जन्म लिया होता फिर कभी तो तुझे मिला होता तेरे होते और आप आते मेरे जनाजे पर और आप आते जनाजे पर तेरे होते मैं मर गया होता तेरे होते जन्म लिया
कभी तो तुझे मिला होता तेरे होते और जरा होता खूबसूरत हदिया कलाम पेश कर रहे थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, बहुत खूबसूरत कलाम इरफान साकब सियालवी साहब जो कि छंग थे हमारे साथ। जैसे कि मौला कायनात की बात हो रही है, मैं पीर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हम बात करते हैं अहले बैत की और फिर पांच तन, ये पांच तन कौन कौन हैं और इसमें कौन कौन शामिल है और ये इस तसव्वुर की ज़रा वजाहत फरमा दें तो। बहुत शुक्रिया। वो बेदम वारसी ने क्या खूब लिखा है ना, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। पहले तन का नाम है इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, शफील मुजनिमीन, रहमतल आलमीन, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे तन का नाम है मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। तीसरे तन का नाम है सैयदा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला राकिया साजिदा, पाक नबी की पाक बेटी, पाक अली की पाक जोजा जनाब फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा। ये तीसरा तन है। और चौथे तन का नाम है हजरत इमाम हसन मुज्तबा। और पांचवें तन का नाम है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इस रॉयल न्यूज के तवसुल से मैं इस पांच तन पाक की शान आपके सामने बयान करने लगा हूं। वक्त के मुहद्दिस हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये दोनों मुहद्दिसों ने यह बात लिखी है कि जिस सवारी पे पांच तन का नाम लिख दिया जाए उस सवारी पे कभी हादसा नहीं होता। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, वो इमाम जलालुद्दीन सयूती के जिसको जागते हुए 70 या 72 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की जियारत हुई है और सोए हुए ख्वाब के अंदर तो अंदाजा ही कोई नहीं लेकिन जागते हुए मुस्तफ़ा करीम आका ने करम फरमाया, वो इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि जिस जहाज पे, बहरी जहाज पे ये पंच तन के नाम लिख दिए जाएं वो जहाज कभी डूब नहीं सकता। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जिस घर की चौकट पर ये पांच तन के नाम लिख दिए जाएं उस घर में चोरी नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि जिस